फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर एम एंड द रेसर। सो आज मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ NSC फायरवर्क्स का 2-in-1 बुलियन करके स्काई शॉट है। ये भी 4.5 इंचेस डायमीटर में आता है। सो इसका इफेक्ट जो राउंड अबाउट शायद रेड और सिल्वर कलर का जैसे इसके बॉक्स पे बनाया हुआ है। इसकी अगर मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, अनबॉक्सिंग करके इसके जो शेल्स हैं समवॉट ऐसे ही नज़र आ रहा है। देखिए रेड और वाइट करके है, और ये भी काफ़ी हैवी क्वालिटी का लग रहा है, और इसमें भी ये 4.5 इंचेस का स्काई शॉट लग रहा है। सो इसमें रेड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन लग रहा है जैसे इसके पिक्चर पर बनी हुई है। अभी इसकी टेस्टिंग वीडियो डाल रहा हूँ, अभी आपको पोस्ट कर रहा हूँ। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको स्काई शॉट, एंड मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट मैं आपके पास बार बार और नए स्काई शॉट्स के वीडियोस लेकर आऊँ। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल आर एम एंड द रेसर। सो आज मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ NSC फायरवर्क्स का 2-in-1 बुलियन करके स्काई शॉट है। ये भी 4.5 इंचेस डायमीटर में आता है। सो इसका इफेक्ट जो राउंड अबाउट शायद रेड और सिल्वर कलर का जैसे इसके बॉक्स पे बनाया हुआ है। तो इसकी अगर मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, अनबॉक्सिंग करके इसके जो शेल्स हैं समवॉट ऐसे ही नज़र आ रहा है। देखिए रेड और वाइट करके है, और ये भी काफ़ी हैवी क्वालिटी का लग रहा है, और इसमें भी ये 4.5 इंचेस का स्काई शॉट लग रहा है। सो इसमें रेड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन लग रहा है जैसे इसके पिक्चर पर बनी हुई है। अभी इसकी टेस्टिंग वीडियो डाल रहा हूँ, अभी आपको पोस्ट कर रहा हूँ। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको स्काई शॉट, एंड मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट मैं आपके पास बार बार और नए स्काई शॉट्स के वीडियोस लेकर आऊँ। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। 2000 years later। सो फ्रेंड्स, अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ बुलियन NSU फायरवर्क्स का। ये 4.5 इंच स्काई शॉट है। सो देखते हैं इसका क्या इफेक्ट है। इट्स बुलियन। ओह यार, मार्वेलस हाइट। सो ब्यूटीफुल।